आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ दीपावली एवं छठ पर्व पर शुभकामना कार्यक्रम। भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को पर्व की दी शुभकामना, कहा धैर्य और अनुशासन बनाए रहें कार्यकर्ता। प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को यूनिफॉर्म और बैग खरीदने के लिए जनपद के 1,20,168 छात्रों के परिजनों के खाते में 13,21,84,800 रुपए DBT के माध्यम से किया ट्रांसफर, कहा छात्रों को पठन पाठन में मिलेगी सुविधा। कायस्थ समाज के लोगों ने की अपने कुल देवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा, कलम दवात की पूजा के साथ की गई आरती, किया गया प्रसाद का वितरण। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 71 केंद्रों पर 5,702 लोगों को कोविड का किया गया वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,391 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,311 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने लोगों से की अपील, कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर अभिनेत्री काजल निषाद का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा निषाद समाज के दम पर समाजवादी पार्टी बनाएगी 2022 में प्रदेश में सरकार। भैयादूज के अवसर पर महानगर में गोवर्धन पूजा कर बहनों ने अपने भाइयों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना, गोधन कूट कर सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना। और राप्ती तट पर बनाए गए कृत्रिम पोखरे में धूमधाम से विसर्जित की गई मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं, SP साउथ ने कहा सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पर लगाई गई है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, लाइटिंग की गई है उचित व्यवस्था।